ये आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं पीडीपी के एक विधायक की। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार है, लेकिन वहां पर पीडीपी के एक विधायक हैं जो आतंकवादियों को अपना दोस्त बता रहे हैं और इसको लेकर शुरू हो गया है विवाद। कश्मीरी है वो तो भाई है, मिलिटेंट भी, मिलिटेंट भी वो भाई है, कश्मीर के हैं, जो कश्मीर के हैं चाहे किसी भी हालत में मरते हैं वो मार्टियर हैं। सुना आपने, आतंकियों को शहीद बताने वाले ये हैं जम्मू कश्मीर में पीडीपी विधायक एजाज अहमद वानी, जो कश्मीर के हैं चाहे किसी भी हालत में मरते हैं वो मार्टियर हैं। आतंकियों को शहीद बताने वाले इस विधायक की जुबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई कि वो क्या बोल रहे हैं। एक तरफ सेना के जवान कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए जान की कुर्बानी दे रहे हैं, वहीं ऐसे आतंकवादी परस्त विधायक सेना के मनोबल को गिराने वाला बयान देते हैं। आतंकवादियों की वकालत करने वाले विधायक यही नहीं रुके और आतंकवादियों से बातचीत करने की सलाह देने लगे। कश्मीर में मरकजी सरकार ने स्पेशल भेजा है, उसको सबसे बात करनी चाहिए, इंक्लूडिंग और मिलिटेंट्स जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं, वो हमारे अपने बच्चे हैं, उनका मरना किसी भी लिहाज से हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए। मुझे लगता है ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है। इस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि जो तरक्की के दुश्मन हैं वो किसी के भाई कैसे हो सकते हैं। टेररिस्ट हैं या सेपरेटिस्ट हैं, ये जो है वो कश्मीर और कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं, उनकी तरक्की के दुश्मन हैं, उनके सुकून के और अमन के दुश्मन हैं, वो कैसे किसी के भाई हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी भी सरकार में है। सवाल ये कि बीजेपी सहयोगी पार्टी के विधायक के खिलाफ क्या किसी तरह की कार्रवाई की मांग करेगी। सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चला रखा है। 2017 में जम्मू कश्मीर में सेना ने 218 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि इस साल 10 दिनों में 5 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।